नेपाल में विमान हादसा, 40 से ज्यादा की मौत। लैंडिंग से 10 सेकंड पहले आग लगी, पहाड़ी से टकराकर विमान खाई में गिरा, 5 भारतीयों समेत 68 यात्री थे सवार। यूक्रेन पर रूस ने दागे 33 मिसाइलें, 20 की मौत से मारते हैं ढहने से 73 घायल। जेलेंस्की बोले, हमने 21 रूसी मिसाइलों को तबाह किया। नया संसद भवन इस महीने तैयार होने की संभावना, जनवरी अंत तक निर्माण कार्य पूरा होने के आसार। नए संसद भवन में हो सकता है बजट सत्र। बाइडेन के गैरेज लाइब्रेरी से मिले टॉप सीक्रेट फाइल्स, व्हाइट हाउस से 1.5 घंटे की दूरी पर निजी घर, बतौर राष्ट्रपति 1/4 समय वही बिताया। दुनिया में कोरोना का खतरा, चीन में 35 दिनों में 60,000 मौतें, भारत में 81 नए मामले आए सामने। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर किया बड़ा ऐलान, कहा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अकेले लड़ेगी पार्टी, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। पीएम ने 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से छोड़ेगी ट्रेन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पाक पर साधा निशाना, कहा 3 और कोरोना के बावजूद हमारी जवाबी प्रतिक्रिया मजबूत और दृढ़। बाबा गोरखनाथ को सीएम योगी ने चढ़ाई आस्था की खिचड़ी, सबसे पहले गोरक्ष पीठाधीश्वर ने की पूजा, गोरखनाथ मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। पहली बार दिल्ली से बाहर हुआ सेना दिवस का आयोजन, बेंगलुरु में हुआ सेना दिवस का आयोजन। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे बोले, हम चुनौती से निपटने को तैयार। जोशीमठ आपदा से कई परिवार प्रभावित, जोशीमठ भेजी गई 2 ट्रक राहत सामग्री, खाद्य रसद कपड़े और कंबल भेजे गए। जोशीमठ के आपदा पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग, बद्रीनाथ की तर्ज पर ही मुआवजा देने की मांग, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने की मांग। जोशीमठ आपदा से हालत बेहद खराब, प्रभावित क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही दरारें, आपदा सचिव रंजीत सिन्हा पहुंचे जोशीमठ। बद्री केदार मंदिर समिति के स्ट्रांग रूम पर भी खतरा, मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का बयान, जल्द इसे शिफ्ट करने की बात की। रामनगर के कालाडूंगी में हाथियों का आतंक, ग्राम सभा बजूनियाल हल्दू में हाथियों का आतंक, हाथियों के आतंक के दहशत में रह रहे ग्रामीण।